मई को प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जंगी प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर से यूथ कांग्रेस सहित कांग्रेस के लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बताया कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की यूथ विंग अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। 12 तारीख को भोपाल में बड़ा जंगी प्रदर्शन होने वाला है। हमारे साथ हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। भूरिया जी, किस तरह का आंदोलन सड़कों पर करने वाले हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐतिहासिक जंगी प्रदर्शन हमारा भोपाल में होने जा रहा है, जो हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी आज चरम पर है। लाखों युवाओं के भविष्य इस सरकार ने खत्म कर दिया। खुद बेरोजगारी पंजीयन रजिस्टर में 45 लाख से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं। इस मध्य प्रदेश में 80 लाख से ऊपर युवा हैं जो जिनको रोजगार नहीं मिल पाया और जो बेरोजगार घूम रहे हैं। उसके ऊपर से व्यापम घोटाला, जिसमें 13 लाख तो सिर्फ एक ही जो कृषि शिक्षक भर्ती घोटाला था, उसमें ही 13 लाख युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया गया। उसमें खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम का नाम आता है। उसमें खुद गोविंद सिंह जी राजपूत के कॉलेज से ये घोटाला होता है, फिर भी उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। खुद वी डी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनमें कृषि विस्तारक अधिकारी में पता लगता है कि उन्हीं के लोगों का चयन हुआ है, और वो ऐसे लोग हैं जिनका 4 साल में चयन होना था, वो 6 साल लगा देते हैं और एकदम से वो टॉप कर जाते हैं। तो अपने आप बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमजोर वर्गों पर, आदिवासियों पर, कमजोर वर्गों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर भोपाल में 12 तारीख को हम जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें सारे वरिष्ठ लोग, कमलनाथ जी सारे वरिष्ठ लोग, दिग्विजय सिंह जी का भी आने का चल रहा है, और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीनिवास जी भी इसमें उपस्थित रहेंगे, और उनकी नेतृत्व में हम जबरदस्त एक प्रोग्राम, एक जंगी प्रदर्शन करेंगे, जिससे हम सारे सोए युवाओं को और मध्य प्रदेश की जनता को जगा सके। तो साफ तौर पर यहाँ पर विक्रांत भूरिया का कहना है कि जंगी प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा, और जोर शोर से जो व्यापम घोटाले के तहत जो केस आए हैं उनको लेकर भी वह आवाज उठाएंगे, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।